Hello everyone, in today's video we are going to perform an experiment based on meter bridge. In today's class we will find out unknown resistance of a given wire by using meter bridge. तो देखिए बाकी सब कनेक्शन तो मैंने आपके लिए कर दिए, बस जिस वायर का हमने अननोन रेजिस्टेंस निकालना है वो हमें इन दो एंड्स के बीच में लगानी होती है, तो उसे हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके साथ ही अब हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है और फिर अब हम चलेंगे अपने फिजिक्स लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। और परफॉर्म करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया, जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ वाइवा ऑल्सो, वो होनी चाहिए। तो पहले कुछ वाइवा में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द वाइवा इज दैट व्हाई शुड वी यूज थिक कॉपर स्ट्रिप्स फॉर द सेटअप। तो ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कॉपर का बना होता है। अब इसमें हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स लगाते हैं। देखिए हिंट मैंने पहले ही लिख दिया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस चैप्टर इन थ्योरी क्लास दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय थिकर कंडक्टर इज लेस। तो अगर हमने इसे थिक लिया है तो इसका रीजन भी वही है, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दीज कॉपर स्ट्रिप्स मस्ट बी वेरी स्मॉल। क्लियर? तो ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आता है, नेम द मटेरियल दैट वी यूज टू मेक दिस 1 meter लॉन्ग वायर। तो इट कैन बी आइदर कंसेंटेंट और मैग्नेट। जैसे आप ये आंसर देते हैं तभी एग्जामिनर पूछ लेता है दैट व्हाई वी प्रेफर दीज मटेरियल ओनली। तो इसका आंसर भी देखिए मैंने पहले लिख रखा है। तो नाम आपने बता दिया था कंसेंटेंट और मैग्नेट, एंड द रीजन फॉर चूजिंग देम इज बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई एंड देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज वेरी स्मॉल। अब उससे क्या हो जाता है, तो देखिए आपने 10th स्टैंडर्ड में भी आई थिंक यू हैव परफॉर्मड एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इफ वी अलाउ द करंट टू पास थ्रू अ सर्किट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो उसमें हीट आ जाती है और हीट आने के बाद रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो चेंज हो सकता है। बस यही प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल चूज करते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज्यादा चीजें करते हैं जो टीचर उन्हें मना करता है ना। तो टीचर ने आपको बोला था कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक अ रीडिंग देन ओनली कनेक्ट दिस की, पर आप तो की को लगाए रहते हैं और लगे ही रहने देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें की लगी रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो उसमें से करंट ज्यादा देर के लिए चलेगा जिसकी वजह से हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी और ये आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। डन? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। देन योर टीचर मस्ट बी टेलिंग यू व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट दैट द नल पॉइंट, ये जहां पे जॉकी रखा होता है, दिस नल पॉइंट शुड लाइक बिटवीन 40 centimeter टू 60 centimeter, एंड द रीजन बिहाइंड इट दैट इन थ्योरी क्लास आई टोल्ड यू that your meter bridge is said to be most sensitive when all 4 resistors are of same order. याद आया जब Wheatstone bridge भी कर रहे थे हम, तो तब हमने पढ़ा था। तो इसी तरीके से if your null point is lying between 40 to 60 then all your 4 resistors will be of almost the same order. जब वो same order को जाएंगे तब ये मेरा bridge most sensitive हो जाएगा। फिर आपसे पूछ भी लेते हैं what is the basic principle of this meter bridge, तब आप बताते हैं its basic principle is working of Wheatstone bridge. बैलेंस कंडीशन क्या होती है, वो था पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, याद आ रहा है आपको। फिर एग्जामिनर ये जरूर पूछता है आपसे कि बेटा इसमें 2 रेजिस्टेंस तो मुझे दिख रही हैं, बाकी की 2 कहाँ हैं, बिकॉज इन व्हीटस्टोन ब्रिज यू आर सेइंग कि 4 रेजिस्टर्स यूज होते हैं, तो बाकी 2 कहाँ हैं। तो हमारे पास इस रेजिस्टर को हम नाम देते हैं आर, इसको देते हैं एस, अब पी और क्यू कहां पर हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट के नाम मैं ए दे रहा हूं, इसको बी दे रहा हूं, सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सेक्शन दिस एजे is actually your P and the resistance offered by the section JB is actually your fourth resistor Q. So now we have 4 resistances P, Q, R, S. फिर आपको वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर भी पता होना चाहिए जो हमने थ्योरी क्लास में भी किया हुआ। आपको रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर क्या होता है वो भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो नॉब्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, अंदर कैसे कॉइलिंग आपने लगा रखी होती है, कॉइलिंग का अरेंजमेंट क्या होता है। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो हम वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं और उसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, सिंपल सा आंसर। और देखो अभी सुनते ही आप में से कई जनों ने तो इसका आंसर बोल भी दिया होगा, पर ज्यादातर वो आंसर गलत होता है। लेट मी सी कि आप क्या आंसर लिखते हैं मेरे कमेंट बॉक्स। नाउ अब चलते हैं अपने फिजिक्स लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। सो दिस इज द अपरेटस दैट वी रिक्वायर्ड फॉर आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दिस इज योर मीटर ब्रिज इन विच वी हैव 1 meter लॉन्ग वायर मेड अप ऑफ कंस्टेंटन और मैग्नेट एज आई एक्सप्लेन्ड इन आवर थ्योरी क्लास ऑल्सो। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने थ्योरी क्लास में कर रखी है। योर की, दिस इज द वायर जिसकी हमने रेजिस्टेंस निकालनी है।
दिस इज द सेल जिसको हम यूज करने वाले हैं एंड द लास्ट पार्ट इज जॉकी द कनेक्टिंग वायर्स. सो नाउ बाय फॉलोइंग दिस सर्किट डायग्राम आई एम गोइंग टू कनेक्ट ऑल दीज टू मेक द सर्किट लुकिंग लाइक दिस. सो लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सर्किट. सो आई एम कनेक्टिंग फर्स्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विद द लेफ्ट एंड ऑफ द मीटर ब्रिज. Next, I am going to connect the negative terminal of the cell with this part of the key. Then I will connect the other end of the key with the other side end of the meter bridge. So now this connection has been done. This end of the meter bridge has been connected to the positive terminal of cell, negative is connected to the key and key is connected to this end. So this portion is done. Now I am going to connect this resistance box with this end. ये जो दो ओपन दिख रहे हैं आपको इनके साथ correspondingly ने कनेक्ट कर दीजिए. So now you can see connection हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है. अब हम दूसरी साइड में जो ओपनिंग थी वहां पर हम इस वायर को लगाएंगे जिसकी हमें रेजिस्टेंस निकालनी है. तो चलिए वो लगा लेते हैं. तो आपकी ये वायर भी कनेक्ट हो गई है. लास्ट कनेक्शन हमारा बचता है अब ये वाला. इसमें हमने लगाना है गैल्वेनोमीटर. ये पॉजिटिव टर्मिनल लग जाएगा फिर नेगेटिव टर्मिनल से हमने लगाना है जॉकी. वो मैं जल्दी से लगा के आपको दिखाता हूँ. ये वाला पार्ट भी हमारा कनेक्ट हो गया है. की को ऑन करने से पहले एक बार आप दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सर्किट प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है. तो चलिए सर्किट डायग्राम के हिसाब से ही कनेक्शन को चेक करते हैं. तो ये हमारा मीटर ब्रिज का एक एंड जा रहा है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में, फिर नेगेटिव जा रहा है की में, और की जा रहा है मीटर ब्रिज के दूसरे एंड में. सो लेट्स सी. ये है हमारा मीटर ब्रिज का एक एंड, फिर वो जा रहा है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में. दूसरा वाला एंड जा रहा है हमारा की के पास, की से दूसरा एंड जा रहा है हमारा मीटर ब्रिज के दूसरे एंड. तो ये कनेक्शन हमारा प्रॉपरली डन है. इसको देख लेते हैं. यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होना चाहिए. तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी देखिए हमारा बिल्कुल कनेक्टेड है. फिर इस वाले सेंट्रल पॉइंट से हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होना चाहिए. वो भी देख लेते हैं. तो सेंट्रल पॉइंट से हमारा गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है. गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड हमारा जॉकी के साथ लगा. तो ये कनेक्शन भी डन. एंड लास्ट पार्ट ये हमने रेजिस्टेंस वायर यहाँ पे लगा दिए जिसकी हमने रेजिस्टेंस निकालनी है. तो सर्किट इज प्रॉपरली कनेक्टेड. तो अब हम की को कनेक्ट कर देते हैं. की हमारी हो गई है कनेक्ट. सबसे पहला स्टेप बच्चों ध्यान रखिएगा, जॉकी को आपने लेफ्ट एंड पे रखना है और एक बार राइट एंड पे रखना है, और फिर देखना है कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट एंड में आनी चाहिए. और उस केस के लिए अभी फिलहाल आप रेजिस्टेंस की एक, मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल रखा है. तो चलिए पहले चेक करते हैं. आप डिफ्लेक्शन पे देखिएगा, अभी मैंने जॉकी को रखा है लेफ्ट और डिफ्लेक्शन आई है राइट में. अब मैं जॉकी को रखने वाला हूँ राइट साइड ऑफ द मीटर ब्रिज. तो देखिए डिफ्लेक्शन कहाँ आती है, लेफ्ट साइड में. तो पिछली बार राइट साइड में आ रही थी, अब लेफ्ट में आया है. इसका मतलब हमारा सर्किट प्रॉपरली कनेक्टेड है. तो चलिए अब रीडिंग लेना शुरू करते हैं. तो देख लेते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में चाहिए क्या है. तो हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल रेजिस्टेंस निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से, फिर लेंथ निकालेंगे जो नल पॉइंट की होगी. ये तो फिर आपकी कैलकुलेशन पार्ट हो गया है. ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपका जो नल पॉइंट आएगा उसकी लेंथ 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में ही लाई करनी चाहिए. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कि आपको थ्योरी क्लास में भी समझाया गया होगा. तो अभी मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ. तो हमारी आर की वैल्यू हो गई है 1 ओम. ये भी देख लीजिएगा कि आपके जो सारे नॉब हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, कोई भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए. चलिए तो अब नल पॉइंट ढूंढते हैं. गैल्वेनोमीटर को देखते रहिएगा, अभी डिफ्लेक्शन राइट में आ रही है, अभी लेफ्ट में है. तो इसका नल पॉइंट इसके बीच में होना चाहिए. इसको ड्रैग नहीं करना है, ऐसे उठा उठा के जेंटली प्लेस करना है अपनी वायर के ऊपर. ये देखिए, अब आप ध्यान से देखो कि आपका नल पॉइंट 0 आ गया है. तो अब देखते हैं हमारी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है. तो ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ 51 आई है. तो मैं पहली रीडिंग लिख लेता हूँ. आर की वैल्यू हमने निकाली थी 1, एल की वैल्यू हमारी आई थी 51. तो 100 माइनस एल हो जाएगा इसी तरीके से 49. अब ये एस की कैलकुलेशन वो मैं आपके लिए कर लेता हूँ. इसी तरीके से आपने आर की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, फिर आपकी L की भी डिफरेंट वैल्यू आएंगी. सिमिलरली 100 माइनस एल डिफरेंट आएगा, S1, S2, S3 भी डिफरेंट आएगा. वो मैं जल्दी से रीडिंग ले लेता हूँ और आपको फिर कंप्लीट ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाता हूँ. सो बाय यूजिंग सेम स्टेप्स मैंने बाकी 2 रीडिंग भी ले ली है और आपके लिए कैलकुलेशन भी कर ली है. कैलकुलेशन में हमने सिर्फ इन 3
रेजिस्टेंस का मीन ले लिया है, वो आ रहा है 1.03, अप्रॉक्सीमेटली हमने उसे मान लिया 1 ओम. सो द रिजल्ट ऑफ आर एक्सपेरिमेंट इज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन वायर इज 1 ओम. सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस एक्सपेरिमेंट. आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा. सो नाउ आई होप यू आर रेडी टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन योर फिजिक्स लैब. मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए एक्सपेरिमेंट के साथ. टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ. जय हिंद, जय भारत.